दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामी नारायण, जय सच्चिदानंद। दोस्तों, दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, आज का टॉपिक हम सब का फेवरेट है। कौन सा? अरे बोले तो एंगर, क्रोध, गुस्सा। अरे बचपन से लेकर आज तक या तो हमें क्रोध आता है या तो कोई हम पर क्रोध करता है ना? वो तो ये गुस्सा क्यों आता है, इनके कारण क्या है, कब आता है हमें गुस्सा? हमारी मनमानी ना हो तब, कोई हमारा कहा ना सुने तब, हमारी बात बीच में कटे तब, हमारा कोई नुकसान करे तब, हमारा कोई अपमान करे तब, या फिर मन चाही चीज ना मिलने पर। सोच में पड़ गए ना? चलिए क्रोध का रूट कॉज ढूंढते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी के साथ। मन को शांति कैसे आएगी? बहुत प्रयत्न करता हूँ मगर नहीं, क्या लिखा है, नहीं दो पाता है, नहीं बत पाता हूँ। जब कोई मुझे कुछ गलत शब्द कहते हैं तो बहुत गुस्सा आता है, तब ऐसा लगता है कि उसे जाकर चाटा मारो। ऐसे क्यों होता है, कृपया विस्तार से समझाइए। किसी ने बोल दिया, गिरधर गोपाल ऐसा आदमी है, वैसा आदमी है, इसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, खराब शब्द बोल दिया, गलत शब्द, और दूसरी बाजू के रूम में बैठे वो लोग, और आप ये रूम में बैठे हैं और आपके कान में कुछ आवाज आ गया तो गुस्सा चालू हो जाता है। जी हाँ, सही है। और लास्ट में आधा घंटा तुम्हारे दिल में क्रोध चालू हो गया और लास्ट में आप सोचेंगे कौन कौन है, कौन कौन है, जरा समझ लेने दो, बाद में सीधा करूंगा सबको। और लास्ट में एक सेंटेंस आपने सुन लिया, मद्रास वाले गिरधर गोपाल की बात चल रही है, तो कुछ आपको हो जाएगा, एकदम शांति। तो वो आधे घंटे में ऐसे क्या हो गया आपको, शांति हो गई? आपने कुछ दवाई भी लगाई, कुछ किया ही नहीं, तो शांति कैसे हो गई आपको? दूसरा गिरधर गोपाल, मैं तो बेंगलोर वाला, तो एक रॉन्ग बिलीफ चेंज हो गई तो आपका दुख मिट गया, क्रोध भी चले गया। तो क्रोध बंद करने के बदले उसकी बिलीफ चेंज करो, आप सचमुच गिरधर गोपाल हो कि आप खुद कौन हो? उसी क्षण में आता गुस्सा। हाँ, उसी क्षण में एक ही बार फ्यूज चले जाता है, बार बार नहीं जाता है, बाकी टाइम में नहीं। अरे बाकी टाइम, मगर जब तक बोलेगा गिरधर गोपाल ऐसा है, गिरधर गोपाल को हकाल देने का, गिरधर गोपाल को चाहिए ही नहीं इधर हमारे ग्रुप में, वो नेगेटिव सेंटेंस आते रहेंगे। अपसेट अपसेट अपसेट, और लास्ट में एक ही सेंटेंस मिला, सुना, मद्रास वाला गिरधर गोपाल, दूसरे की बात है, मैं ही नहीं, चलो जाने दो, मुझे क्या लेना देना। तो यहाँ भी आप क्या बोलते हो, मैं ही गिरधर गोपाल हूँ, पर आप खुद गिरधर गोपाल हो कि आपका नाम गिरधर गोपाल है? नाम गिरधर गोपाल। आप खुद कौन हो? मैं तो एक आत्मा हूँ। हाँ, तो आप गिरधर गोपाल की सब एनवेलप क्यों ले लेते हो, यानी खुद आत्मा हो मगर वो शब्द से मालूम हुआ, अनुभव से होना चाहिए। शब्द में आपको मालूम होगा कि शरीर अलग है, मैं आत्मा हूँ, पर अनुभव में आना चाहिए कि गिरधर गोपाल को कोई कुछ भी कहे, शरीर में दुख होता है, शरीर में दुख होता है। नहीं, शरीर को दुख नहीं होता है, शरीर को दुख नहीं होता है, आत्मा को भी दुख नहीं होता है। क्या है वो? किसको होता है? अहंकार को होता है, मैं गिरधर गोपाल हूँ, जो मानने वाला अहंकार है, अहंकार को दुख हो जाता है, और अहंकार रिएक्शन में मैं तेरे को चाटा मार दूंगा हो जाता है। तो उसे कैसे काबू करें? उसको काबू करने के लिए ये पंखा को काबू करना है तो क्या करना पड़ता है? स्विच बंद करना पड़ता है। तो यहाँ पहले अज्ञान से मुक्ति पानी चाहिए, ये अज्ञानता से क्रोध हो जाते हैं, अज्ञानता से। जी हाँ। कि मैं गिरधर गोपाल हूँ, कि मैं खुद कौन हूँ, फर्स्ट उसको पहचानू, और दूसरी अज्ञानता ये निकाल देनी चाहिए, कौन करता है, कौन कराता है। जी। कौन कराता होगा? अंदर का आत्मा ही कराता। उसको भी गाली बुलाता होगा अंदर का आत्मा। तो फिर अंदर का आत्मा को माफ करना चाहिए, मैं आप तो आत्मा हो, परमात्मा हो, वो आत्मा उस टाइम पे हाजिर ही नहीं रहता है। पर अंदर का आत्मा ऐसे गलत शब्द बुलाने को कोई किसी को प्रेरणा करता होगा? नहीं करता।
हाँ, आत्मा तो परमात्मा है, ऐसे क्यों दूसरे को बोलेगा इसको गलत बोलो? आत्मा नहीं कराता है वो, क्रोध मान माया लोभ सब कराते हैं, अज्ञानता कराती है, सामने वाला का और अपना दोनों के पास अज्ञानता है जी हाँ। और अज्ञानता से ही आदमी क्रोध करता है, मान लोभ कपट मोह सब अज्ञानता से हो जाती। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं क्रोध के बारे में। दोस्तों आपने कई बार तो सुना होगा, मैं आग बबुला हो गया, मैं क्रोध से कांपने लगा, मेरे कान से धुआं निकलने लगा, मेरा खून खोलने लगा। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? ये क्रोध क्या है और कहां से आता है भाई? क्या वो हमारे मानसिक और शारीरिक हेल्थ पर असर करता है? तो ये क्रोध को सप्रेस करे या एक्सप्रेस करे, हमारा मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करें? चलिए सुनते हैं अपने प्यारे आत्मज्ञानी से। तो ये कैसे मिटेगा? तो ये मिटाने के लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। नहीं, अंधेरा आ गया तो अपना सत्संग बंद हो गया था ना, तो ये चालू करो सत्संग। अरे कुछ दिखता ही नहीं, दिखता ही नहीं। लेटर अक्षर भी दिखते नहीं, लाइट आ गया बाद में सत्संग कर सके ना, तो लाइट की जरूरत तो है ही। और ये स्थूल लाइट है, आत्मा की ज्ञान स्वरूप की लाइट है। वो कैसे चलेगी फिर? वो तो स्विच लगाना पड़े। उसके लिए दादा भगवान के पास वैज्ञानिक प्रयोग था, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है तो क्या करना चाहिए? पूजा करने से अलग हो जाएगा, माला फेराने से पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे? नहीं, पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो रहते हैं, तो उसको सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं? नहीं, साइंस का प्रयोग रहता है ना, एक्सपेरिमेंट टेक्निकल रहता है कुछ, इतना ग्राम ये डालो, इतना ग्राम ये डालो, इतना ये डालो, ऐसे कुछ प्रयोग करके साइंटिस्ट उसको सेपरेट कर सकता है। तो जैसे वहां भी साइंटिस्ट की जरूरत है, यहाँ भी साइंटिस्ट की जरूरत है। जो प्योर सोल एलिमेंट को जानता है, दूसरे अनात्मा विभाग के एलिमेंट को जानता है, हाउ टू सेपरेट दोनों को, उसका नॉलेज उनके पास है। जैसे ज्ञानी के पास से आत्म साक्षात्कार हो सकता है। यानी दादा भगवान ने आपको बेसिक फंडामेंटल बात बताऊं, उन्होंने वैज्ञानिक प्रयोग कैसे बताया था। सपोज ये शरीर में अपने खुद कौन है उसकी पहचान करनी है तो कैसे कर सकते हो? सपोज आप क्या बताए, ये घड़ी मेरी है, ऐसे बताओगे ना? तो जब तक आप बोलते हो कि ये घड़ी मेरी है, तो मेरी कहने वाला घड़ी से अलग होना चाहिए कि नहीं? अलग होना। आप बोलेंगे चश्मे मेरे हैं, तो चश्मे अलग है और आप खुद अलग हो। तो शरीर को आप क्या बोलते, माय बॉडी बोलते हो कि आई एम बॉडी बोलते हो? माय बॉडी। हाँ, तो माय बॉडी कहने वाला आई अलग हो गया जी हाँ। सच्ची बात है, सच्ची बात। मेरा नाम गिरधर गोपाल बोलते हो तो मेरा कहने वाला आप खुद अलग हो गए। तो मेरा शब्द जहां जहां लगाते हो, बिलोंगिंग्स एंड ऑनर मस्ट बी सेपरेट। नहीं, सच्ची बात है कि नहीं? सच्चे। तो आपको मैं खुद कौन हूं पहचानना है, तो सेपरेट आई एंड माय, माय बॉडी, माय स्पीच, माय थॉट्स, माय इंटेलेक्ट। ईगो किस में आएगा, आई में कि माई में? आई में आएगा, आई में आएगा। अरे मेरा अहंकार, तुमने क्या बोल दिया, मेरे अहंकार को तो बहुत सफरिंग आ गया, ऐसे नहीं बताए? मेरा अहंकार डिप्रेस हो गया है, मेरा अहंकार बहुत सफरिंग में आ गया। तो अहंकार भी मेरा बोला जाता है, उससे भी आप आगे बैठे हो। बाद में वाइफ आई में आएगी, माई में चले जाएंगे, माई में चले जाएंगे। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे पैसे, मेरी प्रॉपर्टी। तो व्हाट कम्स इन आई, आई विदाउट माय इज प्योर सोल। सोल आई वही आत्मा है, वही भगवान है, भगवान वही परमात्मा है। एब्सोल्यूट आई इज ए गॉड। कृष्ण भगवान ये बताए, मैं सब जीव मात्र के अंदर मैं बैठा हूं। तो मैं बैठा हूं यानी मुरली वाले नहीं, गिरधर गोपाल नहीं, वो तो आत्मा बैठे, आत्मा तत्व स्वरूपी आत्मा, वही भगवान है, वही परमात्मा है।
समझ में आता है जी? आया। तो आई एंड माई का सेपरेशन करना है, सेपरेशन दोनों को अलग करना है। ठीक है, कैसे करोगे? आई को मारने का है, ईगो को मारने, ईगो ईगो को मारने का। कौन मारेगा? खुद को ही मारना पड़ेगा। अरे ईगो को मारेगा, खुद को मारेगा, मगर कैसे मारेगा? और किसी की हिंसा करने से नहीं, मन से मारना। अरे मन तो बेचारा किधर बैठा है और ईगो किधर बैठा है? मन से मारोगे तो फिर ईगो तो खड़ा ही खड़ा है। ईगो को मारने वाला ईगो ही रहेगा, मालूम है? स्थूल ईगो को काटने वाला सूक्ष्म ईगो हो जाता है। मैंने ईगो को कम किया, मैंने किया कम, तो मैंने किया वही ईगो है, तो बड़ा ईगो थोड़ा पतला रहेगा, उसको भी सूक्ष्मतर ईगो काटेगा। मैंने ईगो हटाया, मैं अभी मान अपमान मुझे टच नहीं होता है, वो भी ईगो है। आप खुद कौन है? मैं गिरधर गोपाल, मैंने ईगो को हटाया, तो मैं गिरधर गोपाल वही ईगो है। और मैंने ईगो को हटाया, कहने वाला भी ईगो है। यानी ईगो से ईगो नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। मैं आपको ये खंभे के ऊपर बांध लिया है, पांव से सर तक दूरी से, और आपको बताया है, देखो ये कैंची है, ये छुरी है, ये ब्लेड है, आप कौन से साधन से छूट सकोगे? कैंची है। कैंची है। कैंची से आप छूट सकोगे? आपको बांधा है, आपको कैसे छूट सकोगे? नहीं छूट। तो फिर क्या, आपके बहुत साधन दिया, ईगो को निकालना चाहिए, उसको हटाना चाहिए, मगर कैसे निकलेगा? उसके लिए तो एक ही उपाय है, मुक्त पुरुष जो होगा, ए बच्चा इधर आओ, एक कैंची उठाओ, डोरी को काटो। एक जो छूटा हुआ आदमी है उसके पास से आप छूट सकते हो। जी अच्छा, समझ में आता है? जी समझ में। जो खुद छूट गया है, जो मुक्त है, उसकी कृपा से मुक्त हो सकते हो। उसकी कृपा से मोक्ष। तो दादा भगवान वो मुक्त पुरुष थे, उनके पास ऐसा ही ज्ञान था, हाउ टू सेपरेट आई एंड माय, और बाद में दोनों को सेपरेट कर दिया। आप खुद नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका लिमिटेड विजन है। अब थोड़ा दिखता है उतना ही माई को अलग करेंगे, मगर नहीं दिखता उतना तो बहुत माई बैठा है अंदर। जी तो दादा भगवान की कृपा से आप खुद अलग हो और गिरधर गोपाल अलग है, ऐसे लाइन ऑफ डिमार्केशन लगा देंगे, बाद में आपको सेपरेशन एक्सपीरियंस में आ जाएगा। उसके लिए 2 घंटे का ज्ञान प्रयोग है, जैसे सोना चांदी कॉपर मिक्सचर हो गया जी, उसमें से सोना अलग करना है तो क्या करना चाहिए? उसको गर्म करना, डाइल्यूट करना चाहिए। कैसे करेंगे आप? आग से। आग से आप कर रहे करेंगे? नहीं मैं। अरे हाँ, अरे सुनार कर सकते, सुनार कर सकता है, तो उसके पास जाने का, साहब हमारा इतना इतना सेपरेट करके दे दो जी। तो उसके पास सब चाबियां, सब साधन है, प्रयोग है, केमिकल रहते हैं, ये कैन सेपरेट। समझ में आता है ना? जी हाँ। ऐसे आत्मा भी तत्व है, अनात्मा भी तत्व है, दोनों तत्वों को अलग करना, अलग करना है तो साइंटिस्ट चाहिए, आत्मा का ज्ञानी चाहिए, ज्ञानी चाहिए, उनकी कृपा से हो जाएगा जी। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुल जाता है जिंदगी के हर सवाल को। तो दोस्तों, आपने सुना कैसे हम क्रोध करते हैं और दूसरों को दुख दे देते हैं। तो ये क्रोध तो बुरा ही है, लेकिन उसके परिणाम बहुत ही भयंकर होते हैं। तो दादाजी के ज्ञान पर जरूर गौर कीजिएगा और हर रोज सुनिएगा जरूर आपका अपना कार्यक्रम नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए हमें फोन लगाइए 1-877-505-3232 एक्सटेंशन 23, या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लॉग इन करें hindi.dadabhagwan.org, या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे इन द प्रेजेंट। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह।